Hi friends, welcome back to the Pragmatic Lopa. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बीचेस अच्छे लगते हैं. Of course, अब तक आपको पता ही होगा बीचेस मेरा फेवरेट है. इसीलिए इस साल मैंने डिसाइड किया क्यों ना बीच थीम दिवाली डेकोर किया जाए. तो आज के वीडियो में यानी पार्ट टू में आप टोटल 7 बीच थीम दिवाली डेकोर आइडियाज में से 3 DIYs देखेंगे. आप पहले के 4 DIY पार्ट 1 में देख सकते हैं. अगर आप उसे देखना चाहते हैं, जो मैं स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूंगी, तो पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ऐसे क्रिएटिविटी के लिए. तो और देर ना करते हुए चलिए शुरू करें. कैंडल स्टैंड के लिए मैंने कुछ असॉर्टेड सीशेल्स, ये लंबा सिलिंड्रिकल कैंडल लिया और ऑफ कोर्स हॉट ग्लू गन. आप E6000 या और कोई स्ट्रॉन्गर ग्लू यूज कर सकते हैं, पर कुछ टाइम बाद मैं इन्हें रीयूज करना चाहूंगी कोई और डेकोर आइडिया के लिए. इसीलिए हॉट ग्लू यूज किया ताकि बाद में आसानी से निकाल सकूं. पहले जिस पे काम करना है उसे प्रोटेक्ट करें. मैं ऐसे वाले छोटे शेल्स अपर रिम के लिए यूज करूंगी, इसीलिए सारे इकट्ठे रख दिया. अब उस बॉर्डर पे ग्लू लगा दें जो कैंडल के कांटेक्ट में रहेगा और फिक्स कर दें. इसी तरह सारे शेल्स रिम पे लगा दें. ध्यान रखें सारा ऑलमोस्ट बराबर लेवल में हो. देख सकते हैं सब लग जाने पर अपर रिम कैसे दिखेगा. अब इन शेल्स को ग्लू से फिक्स करने से पहले मन चाहे ऑर्डर में अरेंज करें. ग्रेडेशन पैटर्न से खुश होने पर एक के बाद एक ग्लू अप्लाई करें और फिक्स कर दें. आप एज में एक्स्ट्रा ग्लू लगा सकते हैं क्योंकि कैंडल का ग्लास कर्व होने के कारण शेल्स के एज पूरी तरह कांटेक्ट में ना रहे, इसीलिए बेटर जोड़ के लिए फिल कर दें. बीच में बने गैप्स के बारे में ना सोचें, हम इन्हें छोटे शेल से कवर कर देंगे. अब कैंडल को शेल्स के लेयर में कवर करते जाएं और बीच के छोटे गैप्स को भी उसी तरह छोटे शेल से भर दें. गैप के साइज पे डिपेंड करते हुए डिफरेंट साइज और शेप के सेल्स यूज करें. एक बार सारे शेल्स अपने जगह लगाने पर कुछ इस तरह दिखेगा. ये ऑप्शनल है, पर अगर चाहें तो ऐसे कोई सर्कुलर कैंडल स्टैंडर्ड डाल के इस स्टैंड को एक बेस दे सकते हैं. इसमें डेकोरेटिव सैंड या रियल बीच सैंड से फिल करें. बीच में स्टैंड के लिए डिप्रेशन क्रिएट करें और कुछ एक्स्ट्रा शेल्स भी ऐड कर सकते हैं और आपका बीची कैंडल स्टैंड घर रोशन करने के लिए तैयार है. इस कैस्केडिंग शेल फाउंटेन के लिए ये तो कैंडल होल्डर्स लिया, ये सॉर्टेड शेल्स, और अगर आप चाहें तो एडेड लाइटिंग इफेक्ट के लिए स्ट्रिंग लाइट्स ले, अपनी चॉइस का कोई कैंडल और हॉट ग्लू गन. इन कैंडल होल्डर्स को अलाइन करें जैसा आप चाहते हैं. जब फाइनल कर दे तो हॉट ग्लू से फिक्स कर दे. और हाँ, याद से पहले काम करने की जगह प्रोटेक्ट कर ले. अब इस तरह पीछे से सारे लाइट्स इंसर्ट कर दे. और अच्छे से सिक्योर करने के लिए कुछ स्कॉच टेप के स्ट्रिप्स यूज कर सकते हैं. एक बार कैंडल प्लेस करने पर नीचे इन छोटे शेल से अच्छे से डेकोरेट कर दें. अब इन गैप्स में शेल्स के डिफरेंट शेप्स फाउंटेन की तरह भर दें. स्विच ऑन करने पर आप देख सकते हैं ये कितना अमेजिंग ग्लो इफेक्ट क्रिएट कर रहा है.
इस वाटर बाउल के लिए आपको चाहिए सैंड, आइदर डेकोरेटिव या रियल सैंड भी ला सकते हैं, एक ग्लास बोल, असॉर्टेड सीशेल्स और अपनी चॉइस के ग्लिटर्स। सैंड में ग्लिटर्स ऐड करें और एक स्पून से अच्छे से मिलाएं। अब ध्यान से सैंड को बाउल में डालें। स्पून के पीछे से सैंड को अनइवनली स्प्रेड करें। अब शेल्स के डिफरेंट टाइप्स और शेप्स से अपनी पसंद के पैटर्न में सेट करें। बाउल को पानी से भर दें। यहाँ अगर आप चाहें तो अपनी कोई फेवरेट फ्रेग्रेंस ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं। देखिए कितना स्पार्कली दिख रहा है। अब आइदर ऐसे कोई फ्लोटिंग कैंडल यूज करें या ऐसे कोई सबमर्सिबल टी लाइट। इस वक्त अगर इस लुक से खुश ना हो तो स्पून यूज करते हुए चेंजेस कर सकते हैं। कुछ और शेल्स यूज किया टी लाइट को कवर करने के लिए। पानी से भर दें और एंजॉय करें ये अंडरवाटर ग्लो इफेक्ट। अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है इसे थम्स अप जरूर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आने वाले कोई भी नए वीडियोस के अपलोड मिस नहीं करना चाहते तो वो बेल नोटिफिकेशन बटन हिट करें नोटिफाइड रहने के लिए। मुझे बताएं अगर ये वीडियो एंजॉय किया है, क्योंकि आपके ओपिनियंस मायने रखते हैं वीडियोस को और बेहतर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, एंजॉय।